टारावाफिल सेक्स टॉनिक यह क्या है, इसके बारे में आज मैं जानकारी आपको दूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। टारावाफिल गोली लेना क्या, टारावाफिल गोली से नुकसान होता है क्या, सेक्स टॉनिक गोली टारावाफिल का नाम काफी आजकल बहुत बार सुनाई आता है, तो हमने वो कितना लेना चाहिए वगैरह सवाल लोग हमको करते रहते हैं, तो इसके बारे में मैं सोचा आपको जानकारी दूं। टारावाफिल यह PDE5 इनहिबिटर है। PDE5 इनहिबिटर इसका मतलब यह होता है कि यह गोली लेने के बाद में लिंग में जो ब्लड वेसल्स है उसके जो स्मूथ मसल्स है वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है। जैसे स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो गई तो ब्लड अंदर घुसने लगता है पेनिस में, और कम से कम 100 ml या 125 ml 150 ml ब्लड अंदर चले जाता है जिससे पेनिस को कठोरता आती है, टाइट हो जाता है। तो फिर ये गोली लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल लेना चाहिए। टारावाफिल की गोली 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg ऐसे आती रहती है। टारावाफिल की गोली ये 2003 में इन्वेंट की गई, टारावाफिल 2003 में, और सिल्डानाफिल मतलब वायग्रा जो है वो 1998 की है, मतलब करीब करीब 5 साल पहले सिल्डानाफिल आई गई है। सिल्डानाफिल मतलब वायग्रा, फिर वायग्रा अच्छी है कि सिल्डानाफिल अच्छी है, तो वैसे देखा जाए तो सिल्डानाफिल से ज्यादा सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं, और कुछ स्टडीज में सिल्डानाफिल ज्यादा इफेक्टिव पाई गई, कुछ स्टडीज में सिल्डानाफिल टारावाफिल सिमिलरली इफेक्टिव पाई गई। सिल्डानाफिल जो है वो 25, 50 और 100 मिलीग्राम की आती है। टारावाफिल का फायदा यह है कि टारावाफिल की गोली जो है वो कम से कम आधी 50% डोज उसका 18 घंटे में खत्म किया जाता है, नष्ट किया जाता है बॉडी में, मतलब 50% डोज 18 घंटे के बाद में भी बॉडी में रहता है 36 घंटे तक। इसका मतलब ऐसा हो गया कि टारावाफिल की 20 mg की आप गोली लेते हैं तो 20 मिलीग्राम की गोली में से 10 मिलीग्राम गोली या 10 मिलीग्राम इतना उसका कंटेंट करीब करीब 36 घंटे ब्लड में रहे, तो ये फिर ज्यादा होता है 36 घंटे और तो फिर लोग क्या करते हैं कि भाई वीकेंड टैबलेट करके उसका इस्तेमाल करते हैं। वीकेंड टैबलेट में शनिवार रविवार छुट्टी है, एक गोली 20 मिलीग्राम की ले लिया तो शनिवार रविवार दोनों भी दिन निकल जाते हैं। टारावाफिल गोली का ये है कि 20-30 मिनट में ही काम करना शुरू कर देती है भूखे पेट लिया तो। सिल्डानाफिल जो गोली है वो 30-60 मिनट लगता है उसको टाइम एक्शन आने को, और वो भी भूखे पेट। मगर सिल्डानाफिल का नुकसान यह है कि वो 4 घंटे में ही बॉडी में से निकल जाती है, उसको बाहर निकाला जाता है यूरिन में से, तो फिर यदि ज्यादा देर तक टिकना है तो भी टारावाफिल गोली कभी भी काम की है। अब दोनों टारावाफिल और सिल्डानाफिल दोनों गोलियों में हेडेक होता है, सिरदर्द, चेहरा गर्म होना या नाक बंद हो जाना, नेजल कंजेशन, बॉडी एक्स एंड पेन्स, बदन में दर्द होना, ये दोनों इसमें पाया जाता है। मगर सिल्डानाफिल में आंख के ऊपर असर ज्यादा पाया गया है, ब्लड प्रेशर के ऊपर ज्यादा असर पाया गया है, ब्लड प्रेशर डाउन होने का चांसेस ज्यादा है सिल्डानाफिल से, इसलिए सिल्डानाफिल गोली जो है वो यंग एज में देना चाहिए। और ओल्ड एज में देते हैं तो जिनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है या ब्लड प्रेशर नहीं है उनको सिल्डानाफिल देना चाहिए। अदरवाइज टारावाफिल गोली ज्यादा ब्लड प्रेशर के ऊपर असर नहीं करती है जितना सिल्डानाफिल करती है, इसलिए टारावाफिल ये गोली सेफ है। ब्लड प्रेशर जिनको है उनको यदि एंटी हाइपरटेंसिव चालू है तभी भी आप टारावाफिल दे सकते हैं, उनको इफेक्ट आएगा। फिर लोग कुछ डेली लेते हैं क्योंकि यंग एज है, डेली सेक्स करना होता है तो भी डेली लेना क्या, क्योंकि इतने साइड इफेक्ट है हेडेक है, तो फिर डेली 2.5 mg की मतलब 2.5 mg की लोग गोली लेते हैं या 5 mg की रोज लेते हैं, उसका इफेक्ट 36 घंटे चलता है, मतलब वो 5 mg में बहुत देर तक उसका इफेक्ट चलेगा, और रोज या अल्टरनेट डे लोग सेक्स कर सकते हैं, स्पेशली ये न्यूली मैरिड कपल के लिए बहुत काम में ऐसा होता है। और बाकी वीकेंड टैबलेट के लिए तो है, जो IT सेक्टर में काम करते हैं मंडे टू फ्राइडे दोनों मियां बीवी काम कर रहे हैं, सैटरडे संडे दोनों को ऑफ है, फिर अभी वीकेंड एंजॉय करो या कहीं आप वीकेंड को बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए तभी आप टारावाफिल ले सकते हैं। टारावाफिल की साइड इफेक्ट जो है वो तो मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा गर्म स्पेस में नहीं रखना है, फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, एक ऑर्डिनरी वातावरण में रूम टेम्परेचर में आप रख सकते हैं। सिल्डानाफिल और वर्दानाफिल जो भी नया मॉलिक्यूल निकला वर्दानाफिल का, उसका भी ऐसे है कि वो करीब करीब 4 घंटे में बॉडी में से आधी निकल जाती है और 8 घंटे में पूरी निकल जाएगी, तो फिर 8 घंटे में उसका असर आता ही नहीं है सिल्डानाफिल या वर्दानाफिल का, मगर टारावाफिल का असर 36 घंटे चलेगा, तो टारावाफिल कभी भी रिकमेंडेड है। और टारावाफिल यदि आप डेप्रोक्सिटिन के साथ में लेते हैं जिसका मतलब SSRI का मॉलिक्यूल है, जिससे इनहिबिशन होता है एजेकुलेशन का, तो टेंशन टाइटनेस भी आएगा, कठोरता भी लिंग में आएंगी और डिलेड इजैक्युलेशन भी होगा, मतलब वीर्य पतन जल्दी नहीं होगा, डिलेड होगा, ये दोनों में भी
काम में आ सकता है यदि वो कॉम्बिनेशन में आप लेते हैं तो। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सिख समस्याओं के बारे में मेरे काफी सारे वीडियोज है, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म के भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टा मोड की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।